हरे कृष्णा। तो आज हम फिर से और एक नए टॉपिक में हम बात करेंगे, वो है हम गुरु कैसे डिसाइड करें, गुरु महाराज हम कैसे डिसाइड करें। सही है, इस्कॉन के गुरु हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हम तो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत लोगों का देखते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से गुरु को चुने। क्योंकि इस्कॉन के रूल है कि गुरु वो आपको ही डिसाइड करना है, आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। किसी के ऊपर दबाव नहीं है कि नहीं यही गुरु से आपको दीक्षा लेना है, इसी गुरु से आपको ये लेना है, नहीं। ये कोई फोर्स नहीं, जैसे आप भक्ति के आगे 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 जा रहे हो, सरेंडर हो रहे हो भगवान के प्रति, तो आपको गुरु के प्रति भी सरेंडर होना है। मीन्स गुरु महाराज के ऊपर, जिसके ऊपर आप अपना सरेंडर करना चाहते हो। क्योंकि गुरु महाराज ही भगवान के प्रतिनिधि है, वो दास है, वो गुरु महाराज। तो हम गुरु महाराज के सरेंडर में रहेंगे तो हमारा एक गुरु के प्रति भी एक जो बोलते हैं ना कनेक्टिविटी, वो भी सही रहे। बट मेरे को कमेंट आता है कि बहुत सारे गुरु तो अजीब टाइप के होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो हमारे में एक है जीबीसी, जो जीबीसी से लिखा हुआ, जो जीबीसी में अपना नाम है महाराज का, गुरु महाराज का, उसी से ही आप चुने जो जीबीसी में दिया हुआ, उसके बाहर क्या ना चुने। इस्कॉन में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जीबीसी में कौन कौन है, कौन कौन सन्यासीज हैं, सन्यासीज है ना। तो आप उससे आप गुरु का नाम देख सकते हैं, गुरु का पूरा, गुरु महाराज या महाराज लोगों का आप डिटेल जान सकते हैं, सबका डिटेल जान सकते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या किए थे, क्या कहाँ से क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको पता चलेगा गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सब गुरु महाराज का चैनल्स हैं, है ना। तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं, कोई इसमें फोर्स नहीं है कि आप किसी से लेना, आपको अपना डिसाइड आपको ही लेना। क्यों? क्योंकि वो आप भी तो सरेंडर हो गए ना। ऐसा तो नहीं मैं आ गया वही आपके गुरु महाराज का मैं सरेंडर हो गया, नहीं, मेरा तो गुरु महाराज है, मैं उनके ऊपर सरेंडर कर दिया मैं। तो आपको भी वैसे ही करना है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको अपने से गुरु को चूज करना है। तो आप उसके बारे में डिटेल जाने कि गुरु महाराज ऐसे हैं, ये महाराज ऐसे हैं, ये महाराज कैसे हुए हैं, कैसे आए हैं, मतलब ए टू जेड आपको पता चल जाए, तो उसका आप चिंता ना करें। बट आप अपना जो भक्ति है, भक्ति को भी वैसी लेवल में लेके जाइए, जिससे आप जब गुरु महाराज आप डिसाइड करेंगे तो आपको भी वो अच्छा लगेगा कि हाँ मैं सरेंडर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, है ना। तो आप ऐसा कीजिए। और गुरु महाराज और महाराज बहुत हैं इस्कॉन में, किसी से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, बट आपको ही डिसाइड करना है। और बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तो फिर क्या करें, उसका भी उपाय है। आप जहाँ रहते हो उसके अगल बगल में देखिएगा इस्कॉन होगा, वहाँ पे इस्कॉन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मचारी रहेंगे, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज रहेंगे, उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि प्रभु मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे करूँ मैं अपने भक्ति लाइन को आगे लेके कैसे जाऊँ। तो वहाँ के जो इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, ब्रह्मचारीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि सब यहाँ पे कृष्ण के दास हैं, सब लोग आपको हेल्प करेंगे। आप जहाँ भी रहते हो, कोई कानपुर में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई इंदौर में रहता है, कोई भोपाल में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, हर जगह इस्कॉन है। आप हो सके जब ये आप तक लॉकडाउन के बाद या कोरोना के बाद आप जाइए, अगर इस्कॉन में जाइए, वहाँ पे आप जो वहाँ पे सीनियर डिवोटीज हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनसे आप एक बार कंसल्ट कीजिए, अपना बारे में बताइए कि मैं ये भक्ति कर रही हूँ बट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे अब गुरु की एक आवश्यकता है, तो मैं गुरु कैसे डिसाइड करूँगा। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, और मुझे भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई पाबंद नहीं है कि आप गुरु हम बताएंगे वही गुरु से आपको लेना, नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है, आपको अपना गुरु
आपके ऊपर छोड़ दिया गया, आप लीजिए, आपको जो पसंद है वो गुरु से ही आप भिक्षा ले सकते हैं। तो आप करिए और अपने जो भक्ति में जो आप आगे जा रहे हैं वो आप भक्ति को भी आगे लेके जाइए। सो हाँ, उसके पहले आपको चार नियम पालन करना, उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं चार नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, एकादशी पालन करना है और जो भी हमारा नियम है वो भी पालन करना है, उसके बाद ही आप गुरु डिसाइड करके दीक्षा के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो ये करना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि बस गुरु ले लिए, दीक्षा हो गया, फिर सब कुछ छोड़ दिए, तो ये गुरु महाराज का भी अपराध होगा, उनके जो ऊपर में है रूपाज का भी अपराध होगा, उसके ऊपर में जो है उनका भी अपराध होगा, फिर डायरेक्ट कृष्णा का भी आपको अपराध लेना पड़ेगा। तो आप महा अपराध कर दोगे, तो महा अपराध से बचे, अपराध से ही बचे, अपना जो भक्ति है उसको पहले आगे बढ़ाइए, भक्ति लाइन में पावरफुल बनिए, भक्ति भी कीजिए, अपना अपना जो करियर है, अपना जो प्रोफेशन है, बिजनेस, इंजीनियर, जो भी हो आप वो भी करिए, दोनों को एक साथ लेके चलिए, उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। तो आप ये सब कीजिए, भक्ति कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, देखिएगा आपको बहुत आनंद होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी ऐसे वीडियोस आएंगे और आते रहेंगे, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए, लोगों को भी आप बताइए, जागरूक कीजिए, ये भक्ति करना सबके लिए फ्री है, छूट है, कोई और इस्कॉन का भी पैसा नहीं लेता भक्ति करने के, इस्कॉन और प्रदान करता है भक्ति आपको, इस्कॉन पैसा नहीं लेता, पैसा जो पैसे का जो भक्ति है ना, भक्ति भक्ति वो देता है, प्योर भक्ति देता है। हमारा जो फाउंडर आचार्य है वो ही है श्रील प्रभुपाद जी, वो बोलते ही हैं, मैं सब लोगों को भक्ति देना देने के लिए आया हूँ, किसका भक्ति, गुरु का भक्ति नहीं, भगवान का, कृष्णा का भक्ति देने आया हूँ। तो आप कृष्णा का भक्ति कीजिए और आनंदमय जीवन जी। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, हरे कृष्ण।